नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एक बार आप सभी को फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपको दिखाते हैं कि अशोका रोड पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो विजय की होली किस तरह से वहां पर मनती हुई दिखाई दी। उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी विजय यात्रा पर निकले तो उनके भव्य स्वागत के लिए समर्थक उमड़ पड़े। तस्वीरें रोमांच से भरी हुई थी और कहीं मोदी मोदी के नारे लग रहे थे तो कहीं फूलों की बारिश की जा रही थी। बीजेपी समर्थकों पर जीत के जश्न के साथ साथ होली का खुमार भी छाया हुआ था। और खबर पर आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, आज बीजेपी होली की दुगनी खुशी मनाएगी और इसी मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। ट्विटर पर पीएम मोदी ने लिखा है, होली के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, रंगों का त्यौहार आप सभी को मुबारक हो। कौन जीता कौन हारा, हमने किसको परास्त किया, किसको क्या किया, मैं इस दायरे में सोचने वालों में से नहीं। ये तस्वीरें जीत के जश्न की हैं। यूपी और उत्तराखंड फतेह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी विजय यात्रा पर निकले। ये विजय यात्रा थी तो छोटी लेकिन नजारे हैरान करने वाले थे। अशोका रोड पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएम का काफिला, यहाँ पर दोनों तरफ जहाँ लोग हैं उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री जो पूरे तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हाथ में जहाँ बीजेपी का झंडा है वहीं पर फूलों की उनके ऊपर एक तरीके से बारिश हो रही है। पीएम मोदी दिल्ली के ली मेरिडियन होटल से बीजेपी दफ्तर तक पैदल मार्च करने वाले थे, लिहाजा उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों समर्थकों का जमावड़ा था। कोई पीएम मोदी पर फूलों की बारिश कर रहा था तो कोई मोदी मोदी के नारे लगा रहा था। पार्टी कार्यकर्ता पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट लेकर सड़क के दोनों ओर खड़े दिखे। पीएम के स्वागत में विजय शंखनाद हो रहा था। पीएम भी समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। विजय यात्रा के दौरान पीएम की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम भी किए गए थे। पीएम मोदी को हर तरफ से सुरक्षाकर्मी घेर कर चल रहे थे। पीएम को कवर करने के लिए आगे पीछे गाड़ियां भी चल रही थी। पीएम के सड़क पर उतरने से पहले ही इलाके को सील कर दिया गया। ली मेरिडियन होटल से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक के रास्ते के बीच लोगों की भीड़ के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती थी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लगातार आप सुरक्षा के जो जवान हैं आप यहां देख सकते हैं वो यहां पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस की टीम है, सीआरपीएफ के जवान हैं और अलग अलग एजेंसियों के लोग यहां पर मौजूद हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार स्वागत की तैयारी की जा रही है, बीजेपी दफ्तर में तैयारी की जा रही है और जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। बीजेपी मुख्यालय पर भी पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी की गई थी। बीजेपी के इस जश्न में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये वो क्षण है जिसका इंतजार बीजेपी दफ्तर के बाहर जो सपोर्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कई घंटों से कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और वो यहां पर पैदल चलकर आ रहे हैं बीजेपी दफ्तर की तरफ और जो समर्थक हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है चारों तरफ बीजेपी दफ्तर पर, हर तरफ बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता नाचते गाते दिखे, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए जा रहे थे।
युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब मोदी के रंग में डूबे नजर आए। पार्टी कार्यालय पर सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, पीएम मोदी के स्वागत में कई दिग्गज नेता भी पलके बिछाए खड़े थे। के पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व उत्तर तक एक ही नाम है, मोदी 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 मोदी। ऐसा कहा जाता रहा है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी के पारंपरिक समर्थक नहीं रहे, लेकिन अशोका रोड पर जो तस्वीरें देखने को मिली वो कुछ और बयां कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो दिल्ली में है, बीजेपी ऑफिस के बाहर, और यहाँ पर आप देखिए जो काफी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, और वो अपने सर पर अपना सिंबल यानी कि टोपी भी सर पर लगा कर लाए हैं। और कहीं ना कहीं मायावती को जवाब है इस बात का कि मुस्लिम वोट नहीं दे सकता, बल्कि मोदी के अभिनंदन समारोह में शामिल भी हो सकता है। पीएम के साथ महाविजय की होली खेलने जाति धर्म की सीमा तोड़कर लोग पहुंचे थे, जिनके दिल में और जुबान पर मोदी मोदी छाया था। नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमारे, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सरकारें ये कहती हैं कुछ का साथ और कुछ का विकास। लोगों की ये बात समझ में आई, उसकी वजह से बाकी हर लफ्ज उनका ऐसा ही होता है, बुनियादी लफ्ज और समझने का लफ्ज। होली के रंग में रंगे बीजेपी मुख्यालय पर जश्न मनाने और पीएम को बधाई देने सिर्फ आम लोग ही नहीं पहुंचे थे, इनमें दिव्यांग भी शामिल थे। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दिव्यांग हैं, देख नहीं सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लोगों में काफी उत्साह है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितना उनके नेतृत्व में विकलांगों के लिए काम हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, और विकलांगों के अधिकारों पर जो सकारात्मक कानून नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है उसके लिए पूरा विकलांग समाज उनके प्रति कृतज्ञ है। जी, हम यहाँ पर आए हैं बीजेपी की जीत सेलिब्रेशन करने के लिए। समर्थक हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहे थे, तो उन्हें भी बीजेपी की तरफ से होली और महाविजय की बधाई दी जा रही थी।